नरेंद्र मोदी इंडिया शब्द से ही नफरत है, लज्जा नहीं लगता आदरणीय नरेंद्र मोदी आपको? देश के अंदर में मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक रूप से आप जिंदा हैं। मोदी जी में को 56 इंच का सीना है तो हम लोग को 56 इंच का बोलने का अधिकार नहीं है क्या? 56 इंच पर देश की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया बनकर तैयार है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान कहा जाता है कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। हमारे साथ अभी जदयू MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, एक तरफ आप लोगों ने इंडिया बनाया, दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हम 3 सबसे बड़े देश में शामिल हो जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के कैसे प्रधानमंत्री जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सीधा अपमान कर रहे हैं। 18 सितंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिसको संविधान सभा ने भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी, इंडिया शब्द से ही नफरत है, लज्जा नहीं लगता आदरणीय नरेंद्र मोदी आपको कि जब मणिपुर में बेटी चित्कार कर रही है, महिलाएँ चित्कार कर रही हैं, आपको पार्लियामेंट में जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको आपके माननीय सांसद को आपने राज्यसभा से निलंबित माननीय स्पीकर ने कर दिया, और आपका आपने हालात यह बना दिया कि आप बाहर में इंटरनेशनल ऑटोडोरियम का उद्घाटन करके प्रवचन दे रहे हैं कि दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बना दिया। कितने देश के अंदर दिव्यांग हैं, कितने देश के अंदर में आज भी भुखमरी के शिकार हैं, छत विहीन लोग हैं, क्या यही विश्वगुरु बनाना चाहते हैं जहां महिलाओं का चित्कार सामना करना पड़े? मोदी, हम शर्मिंदा हैं, देश के अंदर में मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक रूप से आप जिंदा हैं। आप कह रहे हैं कि भुखमरी है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड के आधार पर 13.5 करोड़ जो गरीबी रेखा के लोग थे वो अब हट चुके हैं, गरीबी मिट चुकी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा हूं कि आपने जो वायदा किया था कि 2022 तक हम हर लोगों को छत दे देंगे, दे दिया। आपने यह वायदा किया था कि रोजगार देंगे, क्या यह सच है कि 2014 से 2022 तक आप केंद्रीय सेवा में मात्र 7,22,133 लोगों की नियुक्ति कर पाए? क्या यह सच है कि रेलवे का NTPC में आज भी 3.5 लाख पद खाली है? क्या यही विश्वगुरु बनेगा? जहां पद खाली रहेगा, गरीबी रेखा में क्या हालत है देश के अंदर में, कहां आपने पहुंचा दिया देश को? और कितने दिव्यांग हैं, कितने कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, कितने एनीमिया से ग्रसित हैं? भाई, ये मानव विकास सूचकांक में बताइए ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह बताइए ना कि आपने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बंद कर दिया, आपने मेरिट कम जो मीन्स ये था उसको आपने सीमा उसमें आपने कैप लगा दिया, बंद नहीं किया, कैप लगा दिया, सीमा तय कर दिया। जो शिक्षा का अधिकार नहीं दे सकता हो वो देश के अंदर में वही हमको जनता जनादेश दे। अरे, जनता तो आपको खोज रही है, जाइए पार्लियामेंट में, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में सच को कबूल करिए। प्रधानमंत्री आंकड़ा दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मैं आंकड़ा के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के उनके इकाई के लोग हैं, उनका बयान लीजिए, उनको भी बिठाइए, हमको भी बिठाइए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, हमको बैठने में कोई लज्जा नहीं है। यह बता दे कि देश अगर विश्वगुरु बन रहा है तो आंकड़ों के माध्यम से, उन्हीं के आंकड़े, मेरा कोई आंकड़ा नहीं रहेगा, NSSO के आंकड़े रहेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट रहेंगे, सारी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय का रहेगा, सारी रिपोर्ट लेके वो अपने कार्यकाल का बैठ जाए और हम भी उन्हीं के कार्यकाल का लेके बैठेंगे और उनको बताएंगे कि आप कहां पर खड़े हैं। यानी आप मोदी को चुनौती दे रहे हैं? तो क्या है मोदी जी, क्या है मोदी जी में को 56 इंच का सीना है तो हम लोग को 56 इंच का बोलने का अधिकार नहीं है क्या? 56 इंच पर सामने बैठकर बात करेंगे? अरे, सामने हमारे जैसा कार्यकर्ता को, गरीब आदमी को बैठेंगे? न हम इनके इनकम टैक्स से डरते हैं, न CBI से, न IT से डरते हैं। हम केवल अनुरोध कर रहे हैं कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता
जिसको नरेंद्र मोदी नामित कर दे यही मेरे लिए गौरव हो जाएगा। क्या आप किसी को नामित कर दीजिए, हमारे साथ बैठा दीजिए, मीडिया तीसरा पक्ष रहे, अगर हम गलत होंगे तो हमको गुनाहगार के रूप में सजा कबूल है, अगर आप गुनाहगार के रूप में पाए जाइएगा तो आप भी तय करिए कि आप क्या करिएगा। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां देश में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों का एक इंडिया बनकर तैयार हुआ है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। लेकिन जदयू ने साफ तौर पर कहा है कि किस आंकड़े के आधार पर प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं। डू यू वॉन्ट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और ग्राफिक्स डिजाइनर? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 9304755035 or 9304755037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.